केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे थे और कंपाउंड्स के अंदर पीरियडिसिटी को देख रहे थे। हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स, पीरियडिसिटी। और अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले हमने बात हैलाइड्स से शुरू की थी, उसके बाद हमने नेक्स्ट हाइड्राइड्स डिस्कस किए, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑक्साइड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ऑक्साइड्स का अभी तक आपको, जो आप लिटरेचर में पढ़ चुके हो अपने मैट्रिक के अंदर भी, कि ऑक्साइड्स की बेसिकली चार टाइप्स होती हैं। आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स वो होते हैं जिसपे जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव टू चार्ज बेयर करता है। इसके बाद आपके पास और ऑक्साइड्स की टाइप्स होती हैं। नॉर्मल ऑक्साइड के बाद आपके पास होता है परऑक्साइड, परऑक्साइड के बाद आपके पास होता है सुपर ऑक्साइड, और इसके अलावा आपके पास होता है सब ऑक्साइड। जो आपके पास परऑक्साइड होता है, इसमें, सुपर में और सब में, इसके पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी ऑक्सीजन की जो चार्ज है यहाँ पे, वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल परऑक्साइड पे आपके पास नेगेटिव वन हो जाता है, सुपर ऑक्साइड पे आपके पास नेगेटिव हाफ हो जाता है, और सब ऑक्साइड पे आपके पास आई गेस नेगेटिव 3/2 या इस तरह हो जाता है। तो बेसिकली ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ऑक्साइड्स की, ये इनकी बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्लासीफाई किया। इसके बाद जो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारी होती है वो विद इन नॉर्मल ऑक्साइड्स होती है। आपके जो नॉर्मल ऑक्साइड्स या सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं वो फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। आपके होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, फिर आपके होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और तीसरी आपकी कैटेगरी वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से किस किस किस्म के ऑक्साइड शो करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप देख रहे हो इस टेबल के अंदर, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम का जो ऑक्साइड होगा ये बेसिक होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फिर आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, और यहाँ पे आपके पास टेलूरियम तक, ये सारे आपके पास जो है ये आपको बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल का दरमियान का पार्ट है, ये आपका ग्रुप 2A का फर्स्ट एलिमेंट, 3A के आपके मिडिल के एलिमेंट्स, देन 4A के बॉटम के, और 5A के आपके पास जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं, ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और सबसे जो राइट साइड के जो आपका प्योरली नॉन मेटेलिक पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, और इसके अलावा कुछ मेटल्स भी इसमें है वैसे, लेकिन ये जो है हिस्सा, ये आपके सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, हम इनको बेसिकली रिलेट कर सकते हैं किस चीज के साथ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के साथ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, आपको इस बात का पता है कि राइट साइड पे जब आप आते हो पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जब आप आते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और जब आप टॉप टू बॉटम आते हो पीरियोडिक टेबल में, तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है उसका ट्रेंड एग्जैक्टली उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अगर मैं कहूँ तो वो लेफ्ट टू राइट जो होगी वो रिड्यूस होती है। इसका मतलब है जितना आप लेफ्ट पे होगी इतनी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आपकी ज्यादा होगी, और टॉप टू बॉटम आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, सो आप यूं कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में जो टॉप राइट साइड पे जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की हम बात करें, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, और जो आपका सीजियम है, फ्रांसियम सीजियम, ये जो ग्रुप 1A में सबसे बॉटम पे आते हैं, ठीक है, फ्रांसियम वगैरह, ये जो आपके हैं ये आपके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो किसी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है ये और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, इस बात का आपको पता है। अब हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिथियम की बात करते हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 3,
ये आपके पास इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, 1A में आपके पास जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके चार्ज प्लस 1 बेयर करते हैं, लिथियम प्लस 1, ऑक्सीजन नेगेटिव 2, तो ये Li2O, Na2O, K2O, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, जो आपके पास ग्रुप 2A है इन पे आपके पास चार्ज प्लस 2 होगा, तो BeO, MgO, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, और इस तरह आपके पास जो ये वाला ग्रुप है इसके अंदर आपके पास प्लस 3 चार्ज बेयर करता है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्लस 3, ऑक्सीजन नेगेटिव 2, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। आप अगर यहाँ पे ग्रुप 5A में अगर आओ तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास चार्ज 3 और 5 दोनों बेयर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो किस्म के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अगर तो नाइट्रोजन 3 चार्ज बेयर करेगा तो ये आपके पास Na2N2O3 बनेगा, और जब वो 5 चार्ज बेयर करेगा तो N2O5 बनेगा। इसी तरह P2O3 एंड P2O5, As2O3, As2O5, इसी तरह जो आपका नेक्स्ट ग्रुप है वो भी इसी तरह मल्टीपल आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, सल्फर भी, ठीक है, 2 और 6 शो करता है, जब वो 2 शो करेगा तो आपके पास ये बनेगा, और जब वो 6 शो करेगा तो सॉरी 2 पे आपके पास ये बन जाएगा और 6 पे आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये लास्ट ग्रुप आ गया, लास्ट ग्रुप आपके ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव 1 शो करता है या पॉजिटिव 7 शो करता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसके भी ऑक्साइड्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहाँ पे Na2O की, या आपको सोडियम ऑक्साइड नजर आ रहा है, अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा जो एक बेस है, ठीक है। आप इधर से लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हो और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, बिकॉज Ca इज प्लस 2, OH इज नेगेटिव 1, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आप इस ग्रुप का कोई भी और एलिमेंट ले लो तो वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोक्साइड होते हैं ये आपके पास बेसिस होते हैं सबके सब, ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग इनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। आप एक्सट्रीम राइट से कोई भी एलिमेंट्स उठा के देख लो, ठीक है, यहाँ के जब आप ऑक्साइड्स बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन का ऑक्साइड बनाता हूँ CO2, CO2 को जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा CO2 प्लस H2O, ये मेरे पास H2CO3 बना देगा, विच इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में अगर SO3 जो कि सल्फर का आपके पास ऑक्साइड है, अगर इसको मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास H2SO4 प्रोड्यूस करेगा, विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, या अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को डालता तो वो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस कर देता। अगर मैं N2O5 जो कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और यही कहानी मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। मैं अगर मैं फास्फोरस का ऑक्साइड बनाऊं P4O10 को, मैं अगर करूं P4O10 पानी के अंदर फास्फोरिक एसिड बनाता है, इसी तरीके से आप ये बात कंटिन्यू करते हो। आप जितने भी आपके पास एसिडिक ऑक्साइड हैं ये सब के सब एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं ये आपके पास बेसिस प्रोड्यूस करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कोई भी एक एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवाओ, फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट करवा देते हो सोडियम ऑक्साइड को, आप रिएक्ट करवा दो सल्फर ऑक्साइड के साथ, SO3 के साथ, अपट्रा ऑक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फेट इज नेगेटिव 2, तो आपके पास Na2SO4 प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये आपके पास एक सॉल्ट है, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो न्यूट्रलाइजेशन। इसे पहले भी आप ये पढ़ चुके हो, इस तरह के रिएक्शंस जिसमें आप एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते थे तो आपके पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता था। अब चूंकि ये एग्जैक्टली एक एसिड और बेस नहीं है बल्कि ये ऑक्साइड्स है, अगर आप वाकई एक एसिड और बेस को करवाते, फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से लेते और यहाँ से आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते और तब आप इनको रिएक्ट कराते तो आपके पास सोडियम सल्फेट के अलावा वाटर भी साथ प्रोड्यूस हो जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपके पास ये दरमियान का पोर्शन आता है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने बीच में, चूंकि मैं अभी सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स आपको शो कर रहा हूँ, जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स का जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो आपके पास एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जिंक की प्रॉपर्टीज शो करता हूँ। जिंक जो है, जिंक का जो ऑक्साइड है ZnO, क्योंकि जिंक आपके पास 2 चार्ज शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये प्लस 2 माइनस 2 ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ
तो आपके ख्याल में क्या बनना चाहिए? ZN, ये इसको मैं डबल डिस्प्लेसमेंट अगर करूं जिंक सल्फेट के साथ और H2 विद ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये आपके पास जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा। और अब आप देखो कि आपने एक सॉल्ट बना ली है और साथ आपने वाटर प्रोड्यूस की है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास यहाँ पे एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है और ये यहाँ पे ऑफ कोर्स एक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पे एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप जिंक ऑक्साइड को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास ये जिंक नाइट्रेट बना देगा, ZN और नाइट्रेट, नाइट्रेट नेगेटिव वन चार्ज पेयर करता है, तो ZN NO3, NO3 इज नेगेटिव वन, ZN प्लस टू, तो आपके पास जिंक नाइट्रेट U+2 चार्ज के नीचे जिंक नाइट्रेट यू बन जाएगा, ठीक है, और जिंक नाइट्रेट के साथ आपके पास वाटर प्रोड्यूस होगा। अब आप देखो कि अगेन यहाँ पे आपके पास ये एज अ बेस या बेसिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है और ये यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तभी तो आपके पास एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं आप कोई और लेट से के एसिड के बजाय मैं इसको किसी बेस के साथ जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराऊं, फॉर एग्जांपल मैं जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराता हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड थे, अब मैं इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एक्विस बेस के अंदर लेट से मैं डाल देता हूँ इसको, तो ये मेरे पास सोडियम सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा ये वाला। अब ये आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ये जिंक है यहाँ पे, जिंक आपके पास चार्ज क्या शो करता है +2, ठीक है, जिंक दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है और जो हाइड्रोक्सीलाइन है यहाँ पे आपका ये चार्ज पेयर करता है -1, जब आपके चार हाइड्रोक्सीलाइन होंगे तो वो आपके -4 टोटल चार्ज पेयर करेंगे, तो ZnOH whole 4 ये आपका टोटल चार्ज पेयर कितना हो जाएगा +2 -1 × 4, ठीक है, तो ये आपका टोटल जो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज बनेगा वो बनेगा -2 और इस चार्ज -2 को बैलेंस आउट करने के लिए दो सोडियम के एटम्स यहाँ पे साथ उसको बैलेंस आउट करें, ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जो बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की डिटेल्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर कवर करेंगे जहां पे आपके पास ज्यादातर अमूमन ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फिलहाल हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं और वो एसिड और बेस, यहाँ पे आप देखो वो बेस के साथ रिएक्ट किया विच इज अ बेस, यहाँ पे उसने एसिड की प्रॉपर्टीज शो की, यानी उसने सॉल्ट बनाया ना, तो सॉल्ट तो एक एसिड और बेस के प्रोसेस से बनता है ना, तो यहाँ पे एक एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है और यहाँ पे ये बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो जब ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फाइनल जो आज के हम चीज पढ़ रहे हैं कि जो आपका बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर होता है, बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसका एक रिलेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, वो रिलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो इस टेबल में आपको नजर आ रहा है, क्रोमियम जो है वो तीन किस्म के ऑक्साइड्स बनाता है, CrO, Cr2O3 एंड CrO3। CrO के अंदर ऑक्सीजन -2 है तो ऑफकोर्स क्रोमियम +2 होना चाहिए, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। Cr2O3 के अंदर अगर आप देखो Cr2O3 के अंदर तो बेसिकली ये कुछ यूं है कि Cr+3 O-2 है तब ये Cr2O3 बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास Cr का चार्ज +3 है। और अगर आप CrO3 को एनालाइज करो, CrO3 कैसे बन गया, CrO3 के अंदर अगर आप देखो Cr+3 O-1, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन -1 तो नहीं होता, ऑक्सीजन इज -2, तो दिस इज +6 देन, सो यहाँ पे आपके पास क्रोमियम जो है वो +6 चार्ज शो कर रहा है, ठीक है। अब इनकी जो कैटेगरी के अंदर इसने डिफाइन किया है कि जो +2 के साथ जब आप ऑक्साइड बनाओगे CrO, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, Cr2O3 आपकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज शो करेगा और CrO3 जो है ये आपकी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। बेसिकली जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ठीक है, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आप यूं कह लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से। और यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट
किसी मेटल या नॉन मेटल आयन की बात हो रही है, मेटल या नॉन मेटल आयन की बात हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं हो रही। जो ऑक्सीजन का हम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ये सब के सब में नेगेटिव टू ही होगा ऑक्सीजन, ठीक है। जो मेटल का चार्ज है ना वो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैंगनीज के देखते हो, मैंगनीज के आपके पास कौन कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं, मैंगनीज का MnO बन सकता है आपके पास, Mn2O3 बनता है आपके पास, MnO2 बनता है आपके पास, और Mn2O7 बनता है आपके पास। ये फर्दर अब आप डिटेल में ट्रांजिशन मेटल्स डिस्कस करोगे तो उसमें हम इन ऑक्साइड्स को डिटेल में भी देखेंगे। फिलहाल ये जो MnO है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन का चार्ज शो कर रहा है, मैंगनीज जो चार्ज शो कर रहा है, यहाँ पे मैंगनीज का चार्ज है +2, Mn2O3 के अंदर आपके पास मैंगनीज का चार्ज है +3, MnO2 के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे +2 ऊपर, -1 ऊपर, तो प्लस यहाँ पे जब -2 करोगे तो यहाँ पे +4 चार्ज शो कर रहा है, और Mn2O7 के अंदर आपको +7 चार्ज शो कर रहा है। टॉप टू बॉटम अगर आप इन चारों को आपस में कंपेयर करो और इनकी प्रॉपर्टीज देखो, ये जो MnO है ये सबसे कम एसिडिक होगा और Mn2O7 मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे आपका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद आप फाइनली एक चीज जो रह गई है आपके, जो अब हम बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। जब आप बेसिक ऑक्साइड्स में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम, तो आपका जो साइज होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। मैं बेसिक जो मेटल आयन है मैं उसकी बात करूंगी, मेटल आयन जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो लेट्स से मैं ग्रुप 2A की बात करता हूँ, वहां पे जो मेरे पास ऑक्साइड्स बनेंगे वो होंगे बेरिलियम ऑक्साइड, देन उसके नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। जब अब मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूं तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी बेरियम ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, या आप इसको कह लो कि ये लीस्ट एसिडिक होगा, और जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड है ये वीकली वीकली बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। विद इन अ ग्रुप इनका आपस में ये रिलेशन होता है। अगेन इस प्रॉपर्टी को भी आप लिंक कर सकते हो कि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो यहाँ पे, तो आपका साइज हो रहा है इंक्रीज और आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हो रही है डिक्रीज टॉप टू बॉटम। जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है, जो आप रिसेंटली ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी आप एक रिलेशन बना रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड एलिमेंट की जितनी ज्यादा होती है वो उतना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है या कम खींचता है, वो ज्यादा खींचता है, ठीक है, वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होता है, ठीक है। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जब आप आते हो, तो आपका बेसिकली कम फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, और यहां पे कम फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों बातों को जरा आप रिलेट करने की कोशिश करो, जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को आप ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा था, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा था। और जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ऊपर से नीचे कम हो रही है और आपको कम फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हो, जैसे यहाँ पे ज्यादा फोर्स के साथ खींच रहे थे, यहाँ पे कम फोर्स के साथ खींच रहे हो, तो आपका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता जा रहा है, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है। सो बेसिकली ये भी अगेन वही चीज है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है, या आपके जो, जैसे मैंने इसीलिए स्टार्ट में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंसेप्ट बताया था, जितनी आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है उतना आपका बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, और जितनी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपके बेसिक कैरेक्टर को डिटरमिन करती है, ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके एसिडिक कैरेक्टर को शो डिटरमिन करती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर एसिडिक ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स के बारे में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
कंपाउंड्स की चूंकि प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सबके सब. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल.